एक ऐसा आस्था का पर्व है जो बिहार के औरंगाबाद जिला दीव से उठता हुआ पूरे भारत को जोड़ते हुए पूरा विश्व भर में मनाए जाने वाला महापर्व है। यह मुख्य रूप से चार दिनों का पर्व है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है, जिसमें श्रद्धालु लोग स्नान करके विशेष प्रकार के भोजन बनाते हैं, जिसमें लौका भात बनाई जाता है, इसे लोग लौके भात के नाम से भी जानते हैं। दूसरे दिन को खरना बोला जाता है, इसमें भक्त लोग दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को नहर के किनारे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे अपना घाट बनाते हैं और उस घाट को पूजा करते हैं तथा उसी रात को अपने घर पर प्रसाद के रूप में फल और मुख्य रूप से गुड़ तथा और चावल का बकेट बनाते हैं। तीसरे दिन मुख्य पूजा होती है, जिसमें व्रती लोग अपने परिवार के साथ दौरा में फल ईख लेकर घाट पर जाते हैं और ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तथा चौथे दिन पुनः उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ का मुख्य प्रसाद ठेकुआ खा करके उपवास को तोड़ती है और चौथे दिन को ही परना कहा जाता है। लोकगीतों से शुरू हुआ, परंपराओं से जुड़ा हुआ। लोकगीतों से शुरू हुआ, परंपराओं से जुड़ा हुआ है त्योहार यह अलौकिक मान्यताओं से घिरा हुआ। शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को 30 करोड़ भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य देवता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। भारत के नस नस में बसा हुआ यह त्योहार छठ पूजा कहलाता है और दुनिया भर में मनाए जाने वाली बड़ी बड़ी त्योहार इसके आगे फीका पड़ जाते हैं। जब यूपी, बिहार, झारखंड की माताएं अपने बेटे और बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक ही स्वर में गा उठती हैं, काचे ही बांस के बांगिया
बहंगीला चकत जाय। ओई ना बाला मजी कहारिया बहंगी घाट पहुंचाय। मैं समझता हूँ इतना करुणा, इतना संवेदनशील, मन को छू देने वाला, इतना माटी से जुड़ा हुआ और इतनी भावनाओं से भरा हुआ ये गीत शायद ही कोई दूसरा हो। पुराणों में भी कहा जाता है कि नवरात्र में पूजे जाने वाली माँ कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में उन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। मानस पुत्री यानी वो बेटी जिनके जन्म में शरीर की कोई भूमिका नहीं, मन से मन का मिलन हुआ, तरंगे टकराई, ब्रेन की एनर्जी मिली और संतान का जन्म हो गया। महाभारत में ऋषि धौम्य की सलाह से द्रौपदी ने पांडवों की रक्षा के लिए, कठिनाई से बचाने के लिए यह पर्व शुरू किया था। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने प्रायंबा भगवती भारतेश्वरी मिथिलेश कुमारी माँ सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद इस पर्व को मनाते हैं और कहते हैं और लोग कहा जाता है और कहा करते हैं कि भारतेश्वरी माता सीता ने किया था इसका आरंभ। निर्जल रहकर 3 दिन व्रत का किया था प्रारंभ, मिला पांडवों के जब जुआ में हार, तब द्रौपदी ने मनाया छठी मैया का त्योहार। वहीं यह पर्व अपने साथ कई प्रकार के परंपराएं और रीति रिवाज लेकर के आता है। प्रकृति के एक एक वस्तुओं को सजा करके सूर्य देव को चढ़ाया जाता है और उनका स्वागत करते हुए ये लोग कहते हैं कि अगली सुबह जीवन में नई खुशहाली लाएगी, अगली सुबह जीवन में नई खुशहाली लाएगी, छठी मैया आप सबके मनोरथ पूरी कर जाएंगी, सोने के रथ पर होके सवार सूर्य देव आएंगे आपके द्वार, सजा कर कंचन थाल स्वागत करिए आप इस बार, स्वागत करिए इस बार। जय जय छठी मैया, आप सभी को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने पूरे परिवार के साथ छठ का ये महापर्व को मनाते रहें। जय जय छठी मैया। Good morning everyone, this is Palak from GoodSSB. Today I am here to tell a speech on Chhath Puja. Chhath Puja is a special festival of Hindu. It is celebrated in Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh. We worship the god Shan Surya Devi who gives us light and energy. We celebrate Chhath Puja for 4 days. We take bath in holy rivers, wear new clothes and prepare traditional dishes like tekwa and kharra. On the 3rd day, we offer arak to the setting sun, and on the 4th day, we offer arak to the rising sun. We also worship the Chhath Maiya. Chhath Puja teaches us clean and disciplined. Let us celebrate Chhath Puja with joy and grateful. Thank you. Have a great day. 1st of November, and it falls on 6th day of Diwali. It is mostly celebrated in Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh and many other parts of India. On Chhath Puja, every devotees gather at ghats, rivers, ponds and take a holiday. The sweet dish tekwa has the most value on this festival. On this Chhath Puja, people worship Lord Sun and we know Sun is one of the biggest source of energy, so people keep fast on this day for 3 days. Chhath Puja, which is considered as one of the biggest and toughest puja. Thank you. Chhath Puja is a famous festival of Hindus. It is celebrated all over India and especially celebrated in Bihar and some in the month of March and April, and second time is celebrated during the Kartika in the month of October and November. Chhath Puja
In this festival, we worship the god Surya and goddess Satimai. In this festival, we clean our house and celebrated on 6th day of Shukla Paksha of Kartik month. In this fall of month, October or November, छठ पूजा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को समानते या त्योहार उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में छठ पूजा हिंदू प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश तथा भारत के अन्य त्योहार है। छठ पूजा उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़े पर्व में से एक है। छठ पूजा इस त्योहार में लोग 3 दिन तक उपवास रखते हैं। यह त्योहार महिला या पुरुष किन्हीं के भी द्वारा मनाया। छठ पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार पूर्व रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश एवं भारत के अन्य राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। ये छठ पूजा इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदुइज्म। इट इज ऑलवेज नोन एज द डाला छठ। इट इज द फोर लॉन्ग स्टे फेस्टिवल। Chhat Puja is a famous festival of the Hindus. It is also known as a Dala Chhat. It is a 4 days long festival. Satimaiya is worshipped and people observe fast for 3 days. It is celebrated on the 6th day of Shukla Paksha of Kartika month. It is celebrated on the 6th day after Diwali. Thank you. Thank you. Have a nice day. प्राचीन समय में राजा सुरथ और रानी संज्ञा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी समय के लिए ही थी, क्योंकि उनके पुत्र को बचपन से ही बीमारी थी। उन्होंने अपने पुत्र को के इलाज के लिए बहुत सारे ऋषियों और वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्हें एक ऋषि जी ने बताया कि आप क्यों न छठ मैया और सूर्य भगवान का व्रत करें। राजा जब घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी मतलब रानी को कहा कि क्यों ना तुम हमारे बेटे के लिए छठ मैया और सूर्य देव का व्रत रखो। रानी अपने बेटे के बारे में सुनकर एक ही बार में राजी हो गई और उन्होंने राजा से कहा कि आप छठ पूजा की सारी सामग्री को बाजार से मंगवा लीजिए। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जो भी रानी ने कहा है वो सारी सामग्री तुम ला दो, और सैनिक सारी सामग्री ला दिए। फिर रानी ने पूरी श्रद्धा से 4 दिनों का व्रत रखा और उनकी मन्नत पूरी भी हो गई। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से ही छठ मैया से व्रत मांगा था और उनकी वर पूरी भी हो गई। फिर राजा ने अपनी पूरी प्रजा को बुलाया और उनसे कहा कि क्यों न तुम लोग भी पूरी श्रद्धा से माँ छठी मैया का क्यों न तुम लोग भी पूरी श्रद्धा से व्रत रखो। और उस दिन से पूरी प्रजा और राजा सब लोग मिलकर पूरी श्रद्धा से छठ मैया और सूर्य देव का व्रत रखने लगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। Good morning to all of you. This is Aravi Singh from yesterday 8th day. I am present here to deliver a speech on Chhat Puja. Chhat Puja is famous festival of the Hindus. It is celebrated on the 6th day of the Shukla Paksha. It is also known as a Dala Chhat. It is celebrated as 6th day after Diwali. People observe fast for 3 days. In the morning, women start their worship by taking deep in a river and ponds. Women perform all rituals standing in the water, like praying, offering, etc. Chhat Puja in India is celebrated from ancient period. It is the most difficult fast for the Hindus religion. Chhat Puja is celebrated in Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh with great joy and happiness. That's all. Thank you. Good morning to all of you. I am Tasneem Mizaz. I study in grade 8. Today, I am going to deliver my speech on Chhat Puja. Chhat Puja is one of the most famous festival that is celebrated in India, Uttar Pradesh and Jharkhand. It is also known as Dala Chhat. It is a 4 days long festival. It is celebrated on 6 days, Shukla Paksha of the Kartika month. It falls in the month of October and November every year. It is celebrated on 6 days after Diwali. It is during this festival Chhati Maiya worshipped.
छठ पूजा इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर. दिस फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश. इट फॉल्स ऑन सिक्स्थ डे ऑफ कार्तिक मंथ. ऑन दिस फेस्टिवल द गॉड सन इज वर्शिप्ड फॉर वेलबींग प्रोसेस एंड prosperity of the humanity. Chhat Puja is four-day festival with great pomp. On the first day of this, there is a method of bathing and eating. On the second day of this, Chhat Puja known as Kharna, those who keeps this fast on this day makes kheer. On the third day of this, Chhat Puja, Chhat Mata is worshipped for banks on river and ponds. To talk about the beauty of Bihar Chhat Puja. Chhat Puja is celebrated all over the India, especially in Bihar, other parts of India and in Nepal. It is celebrated to dedicate the worship of God Sun with rising and setting. This festival celebrated over 4 days with prayer, holy bathing, meditation. On third day, women keep fast and bend the prasad of fruit in bamboo dal and give it to their husband. This festival expressed to the gratitude of God Sun for providing energy to the earth. It is believed that Chhat Puja is originate from Ramayana and Mahabharata. In Ramayana, goddess Sita doing Chhat Puja with their son, and in Mahabharata, Kunti performed Chhat Puja to conceive the Karna. Chhat Puja is inspired the people to live simple and sustainable life. So, wish you a very happy Chhat Puja. Thank you. एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है. वी सैल्यूट द राइजिंग सन. उगते हुए सूर्य का मतलब है जिनके पास शक्ति है, जिनके पास सामर्थ्य है, ये दुनिया उनको प्रणाम करती है. लेकिन भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति बिहार के उस कोने से पूरे विश्व को ये समझा रही है, जो हमारे लिए जले हैं, जो हमारे लिए तपे हैं, आज वह अगर हमारे बीच में नहीं हैं, जो काल के अंधेरे में समा रहे हैं, तभी वे हमारे प्रणाम करने के लिए हैं. एक श्लोक आता है, उदेति सविता ताम्रह ताम्रम देवास्तिक च संपतो च विपतो च महता मेक रूपता. यानी उगते हुए सूर्य लाल दिखाई देते हैं और डूबते हुए सूर्य भी लाल दिखाई देते हैं. विपत्ति में, संपत्ति में, दुख में, सुख में एक समान रहते हैं. उसी तरह से हम बिहार के लोग, हम भारतवासी ये समझाते हैं, ये बतलाते हैं पूरे विश्व को कि हम लोग भी दुख में, सुख में एक समान रहने वाले लोग हैं, बड़ी और छोटों का सम्मान करने वाले लोग हैं. एक क्वाली गाया जाता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा. ऐसा लगता है सूर्य का ढलना एक कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, कोई खराब है, कोई अशुभ है. लेकिन हम नहीं मानते, हम डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं. हमारे लिए पश्चिम में अस्त होते हुए सूर्य उतना ही श्रद्धेय है जितना पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता है और दिशा बदल जाने से
देवता के लिए हमारा भाव नहीं बदलता। बड़ी बात है सूरज का सूरज होना, इस सृष्टि और जीवन का आधार होना। सूरज हूँ जिंदगी का गमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी का गमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा।